चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई बैठकें लेने वाले हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की आज कई बैठकें हैं, एडीजी इंटेलिजेंस अधिकारियों से चर्चा करने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, जनसंपर्क अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे। एक के बाद एक आज शिवराज सिंह चौहान की कई बैठकें, मंत्रालय में सीएस और पीएस के साथ मंथन करेंगे। इसके बाद प्रदेश में जो कोरोना के हालात हैं, कोरोना के बढ़ते मामले हैं, उसको लेकर भी समीक्षा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। संबल योजना के हितग्राहियों को हित लाभ वितरित करेंगे सीएम। आज मिंटो हॉल में कार्यक्रम होगा, आपका संबल आपकी सरकार कार्यक्रम का आयोजन होगा। सिंगल क्लिक का डीबीटी के माध्यम से हित लाभ वितरित करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो आज दिन भर का सीएम शिवराज सिंह चौहान का जो ये शेड्यूल है, कई बैठकें हैं और साथ ही कार्यक्रम भी है, हितग्राहियों को जो है हित लाभ वितरित करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। मिंटो हॉल में कार्यक्रम होगा, सिंगल क्लिक के माध्यम से हित लाभ वितरित करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं अंकुर जी का। अंकुर जी, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की कई बैठकें हैं, लगातार एक के बाद एक बैठकें करेंगे, समीक्षा बैठक, कोरोना को लेकर भी बैठक और साथ ही कार्यक्रम भी होने वाला है, हितग्राहियों को हित लाभ वितरित करने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। जी बिल्कुल पूनम, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी चौथी बारी में काफी सख्त नजर आ रहे हैं। अभी तक उपचुनाव थे और भी चीजें थी, इस कारण अभी तक इतनी सख्ती नहीं दिखाई थी, लेकिन अब जब उपचुनाव हो चुके हैं तो अब पूरी प्रशासनिक पकड़ बनाने के लिए लगातार वो बैठकें कर रहे हैं। कल जैसे उन्होंने लगभग 6 से 7 घंटे तक मैराथन बैठकें की, अलग अलग कैसे कलेक्टर, एसपी, डीआईजी और तमाम लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें की, अलग अलग जिलों में कहां क्या स्थिति है, कहां योजनाओं को अलावा हितग्राहियों को मिल पा रहा है, नहीं कहां माफिया एक्टिव है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्या क्या कहां चल रहा है, उन सब चीजों को लेकर लगातार कलेक्टर एसपी से भी बात करी। साथ ही उन्होंने कल सख्त तेवर दिखाते हुए अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कह दिया गया था कि जो भी पोस्टिंग होगी अधिकारियों की वो मेरिट के हिसाब से होगी, कोई लेन देन करके नहीं होगा। तो लगातार मुख्यमंत्री दिन भर बैठकें करते रहे और उसी बैठक के बाद कई अधिकारियों से उन्होंने नाराजगी भी अपनी कल जाहिर की थी। कलेक्टर कटनी कलेक्टर को भी उन्होंने कल हटाया, नीमच एसपी को भी हटाया, दोनों अधिकारियों से काफी नाराजगी थी क्योंकि उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी वो पूरी नहीं कर रहे थे, उनके जिलों में माफिया काफी हावी थी, योजनाओं का सही लाभ उन हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा था। इसी कारण मुख्यमंत्री के तेवर कल काफी सख्त थे, आज भी लगातार मुख्यमंत्री अलग अलग बैठकें करेंगे। सबसे पहले ये इंटेलिजेंस सहित इनके साथ बैठक करेंगे, साथ ही इसमें प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव रहेंगे, अन्य अन्य विभागों के प्रमुख सचिव रहेंगे। ये पूरी समीक्षा की जाएगी कि सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वो किन योजनाओं का किन किन लोगों को लाभ मिल पा रहा है, नहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, इसका पूरा आकलन करेंगे। इसके साथ साथ कोरोना की समीक्षा बैठक भी करेंगे। इसके अलावा 3 बजे मिंटो हॉल में संबल योजना के हितग्राहियों को हित लाभ बांटेंगे। निश्चित तौर पर कहेंगे कि लगा जी संबल योजना थी पूर्व में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चालू की गई थी, लेकिन जब कमलनाथ की सरकार थी तो ये संबल योजना को बदल दिया गया था, इसका नाम भी बदल दिया गया था, इसका स्वरूप भी बदल दिया गया था, लेकिन अब फिर से जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हैं तो फिर से संबल योजना पुनः प्रारंभ की गई है। और इसी संबल योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 3 बजे मिंटो हॉल में हितग्राहियों को लाभान्वित करेंगे। जी पूनम जी, अंकुर जी, जिस तरीके से जो है शिवराज सिंह चौहान की बैठकें रहने वाली हैं, तमाम जो कोरोना के हालात हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, साथ ही हितग्राहियों को लाभ बांटने वाले, कितने हितग्राहियों को आज लाभ मिलने जा रहा है?
जी बिल्कुल, एकदम एग्जैक्ट संख्या तो नहीं आई है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है लगभग 2 लाख हितग्राहियों को प्रारंभिक चरण में लाभान्वित किया जाएगा। इन हितग्राहियों को संबल योजना क्या की जो हितग्राही हैं इनको लाभान्वित किया जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक बात बताना आपको और है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कल आपने कड़े तेवर दिखाए थे, तीखे तेवर दिखाए थे, दो एक कलेक्टर और एक SP को हटाया था, उसके बाद आज फिर मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आधा दर्जन जिलों के कलेक्टर, लगभग 5 SP भी अलग अलग हटाए जा सकते हैं, 2 IG हटाए जा सकते हैं, 2 कमिश्नर हटाए जा सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी किया मूड भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बना चुके हैं। क्योंकि जहां जहां जिन जिलों में कल बैठक के माध्यम से मुख्यमंत्री ने देखा कि इन जिलों में कलेक्टर SP का परफॉर्मेंस ठीक नहीं, ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी भी कर सकते हैं। रही बात संबल योजना के हितग्राहियों को लाभ बांटने की, तो आज 3 बजे मिंटो हॉल में ये कार्यक्रम होगा। जी अंकुर जी, आप बने रही हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल, आज CM शिवराज सिंह चौहान की लगातार जो है बैठकें हैं, ADG इंटेलिजेंस के साथ बैठक करेंगे, जनसंपर्क अधिकारियों से चर्चा करेंगे, कोरोना के हालात को लेकर भी चर्चा करने वाले हैं CM शिवराज सिंह चौहान।